तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक घर की वायरिंग। लेकिन वायरिंग करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ओपन फिटिंग नहीं बल्कि अंडरग्राउंड फिटिंग होनी है, देख सकते हैं बॉक्स वगैरह सारे सारे लगे हुए हैं। वैसे तो इस घर की हम पूरी तरह से, जैसे कि 50 गज का प्लॉट है ये, तो इसकी फिटिंग की हम पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों आज की इस पहली वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि मान लीजिए 50 गज का प्लॉट आपके पास में है, बोर्ड वगैरह सारे सारे सब तरफ लगे हुए, इधर भी देख सकते हैं और उस तरफ भी देख सकते हैं, बिजली के जो बॉक्स हैं वो सब लगे हुए हैं, और इसके अंदर कौन कौन से स्विच लगेंगे, कितने कितने स्विच लगेंगे और कौन सी जगह पे कितने एम्पेयर का स्विच और कितने एम्पेयर का सॉकेट लगाया जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग ये जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप है मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सबसे लास्ट में पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। घर के अंदर जितने बोर्ड लगे हुए हैं, इस तरह से बॉक्स लगे हैं, इन सबके साइजों को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में आपको कितने टी कवर चाहिए, कितने फैन कवर चाहिए, कितने स्विच चाहिए, कितने सॉकेट चाहिए और कौन से बोर्ड के अंदर 16 एम्पेयर का स्विच लगेगा, कौन से बोर्ड के अंदर 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगेंगे, ये सब कुछ आपको नोट करके सामान की एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद आप दुकान पे जाकर के आप सामान ला सकते हैं। अगर बिना लिस्ट बनाए आप सामान लेने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको 100 चक्कर काटने पड़ेंगे उस दुकानदार के। इसलिए आप फिटिंग करने से पहले ये काम कर लीजिए। और इस वीडियो को देख करके बहुत से भाई हमारे जो बिजली का काम नहीं करते हैं ना, वो भी लिस्ट को बना पाएंगे बिना किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद के। सबसे पहले दोस्तों इन बोर्डों का नहीं बल्कि हम यहाँ पे जो मेन एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है वहां पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कितने पाइप उसके अंदर आए हुए हैं, एमसीबी वगैरह हमें कितने लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए मेन एमसीबी बॉक्स के पास में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने पाइप आए हुए हैं ये हम आपको पहले बताते हैं। देख सकते हैं ये आपका जो एमसीबी बॉक्स है, चार पाइप उतरे हुए हैं नीचे में। तो इसके अंदर कौन सा पाइप किस चीज का है तो मैं आपको बता दूं, एक पाइप तो आपका बाहर से आया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो बाहर आपके मेन मीटर लगा हुआ होता है तो उस मीटर से जो वायर आता है वो एक पाइप तो उसका है, एक पाइप आपके इस हॉल का है, ठीक है, और एक पाइप इसके अंदर से ऊपर गया हुआ और एक पाइप इसके अंदर जो है कि जो कमरे के जो छत है उसके अंदर ये पाइप गया हुआ एक। तो एक पाइप बाहर का, एक ऊपर का और एक हॉल का और एक ये कमरे का हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर मान लीजिए एमसीबी हमें कितनी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे कम से कम आप अपने हिसाब से, जैसे कि घर के अंदर एसी भी लगाया जा सकता है और यहाँ पे जो पावर के बोर्ड है उनके लिए भी चाहिए होगी लाइटें, ठीक है, तो दो ही कमरों के अंदर गई हुई लाइट, तो यहाँ पे 3 एमसीबी लगाई जा सकती है। जैसे कि एक तो आपका हॉल का हो गया और एक जो है कि आपके कमरे का हो गया, क्योंकि छोटा सा प्लॉट है। बाकी अगर बाथरूम अलग है, किचन अलग है, हैं, और मान लीजिए कि कोई लिविंग एरिया है वो अलग है और कमरा अलग है, तो इस प्रकार से अगर घर बने हुए हैं तो आपको सब जगह के अलग अलग पाइपों के अंदर से अलग अलग एमसीबी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आपके घर की जो फिटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर हमें कितनी एमसीबी लगानी पड़ेगी, हमें एमसीबी को नोट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बाहर से आने वाली वायर के अंदर तो डबल पोल की एमसीबी लगेगी, बाकी ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पे डबल पोल की एमसीबी लगाई जा सकती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे 2 एमसीबी हमें सिंगल पोल की यहाँ पे लगानी पड़ेगी। आप चाहें तो एक आध एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे मोटर पाइप है वहीं से उतरा हुआ है, तो उसके लिए भी आप चाहें तो अलग से एमसीबी लगा सकते हैं। तो वैसे हॉल ये बड़ा है तो इस जरूरत को देखते हुए हम यहाँ पे 4 एमसीबी सिंगल पोल की और 1 एमसीबी डबल पोल की हम लिखने वाले हैं। तो आप लिख लो सिंगल पोल की 16 एम्पेयर 4 पीस, ठीक है, और डबल पोल की 32 एम्पेयर एसपीएन, ठीक है, 1 पीस। बाहर मीटर के पास में एमसीबी लगी हुई है आपके, हाँ तो वहाँ के पे लगी, तो वहाँ की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में अब हमारी एमसीबी लिखी गई, तो चलिए अब जो बॉक्स लगे हुए हैं, बॉक्स कितने कितने साइज के हैं अब मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ बाहर से, कि यहाँ पे बेल स्विच का कहीं पे लगा हुआ है, अच्छा बेल स्विच का यहाँ पे देखिए इस जगह पे इनका मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एमसीबी लगी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ में बेल स्विच का बॉक्स लगा हुआ है। तो इसका क्या साइज है, आप इस प्रकार से लंबे वाले बॉक्स होते हैं तो 3 इंची आपका ऊपर से मतलब चौड़ाई होती है और ये होगा आपका 5 इंची, तो इस प्रकार से आप इसको नाप सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये देखिए 5 इंच 4 और इधर 1 5, ठीक है, तो 3 5 का बॉक्स है, 3 5 की सीट लिख लो, 3 5 की सीट होगी और इसके अंदर लिख लो आप
दो बेल स्विच लिखो, सॉरी इंडिकेटर मत लिखो, दो बेल स्विच लिख दो। इंडिकेटर के आजकल उसी सीट के अंदर ही होता है। अंदर में आ जाइए और अंदर में जो ये बॉक्स लगा हुआ है इसका क्या साइज है, तो आपको इसको भी अगर आपको पता है कि कितने साइज के हैं तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप सिंपली इस तरह से आप इसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो आप नापेंगे तो आपका ये 6 और 8 का बैठेगा। ये देख सकते हैं, ये इधर से 8 है और इधर से ये 6 इंच है। ठीक है, तो ये 8-6 का एक बॉक्स सीट, 8-6 का ये बॉक्स सीट हो गया। और इधर ये वाला जो है कि ये 6-6 का है, इधर से भी ये 6 है। ठीक है, तो 6-6 की सीट यहाँ की लिख लो, 6-6 की। और आपका इधर है 3-5 का, ये भी है बाहर वाले बराबर, नहीं 3-5 नहीं है, ये कम है, देखो जगह उसने ज़्यादा छोड़ दिया है। ये आपका है 4 है, हाँ 4-3 का, 4-3 की एक सीट लिख लो, 3-4 की सीट इस मोटर के पॉइंट के लिए दे दो। अच्छा, और ये देखो एक बॉक्स यहाँ लगा हुआ है, 8-3 की सीट इसमें भी लगेगी। ठीक है, 8-3 का यहाँ हो गया, और ये भी 8-3 का एक और लिख लो। ठीक है, और इधर और कोई नहीं है ना इस तरफ में, यहाँ पे भी एक 8-3 की सीट लगी हुई है। और यहाँ पर एक 8-6 का, और 8-3 की एक सीट इस वॉलपेपर के पीछे है जो आपने छुपा दिया है, उसको भी लिख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो सीटें हैं वो हमने नोट कर लिया है। अब दोस्तों स्विच सॉकेट और रेगुलेटर वगैरह नोट करने हैं हमें, तो कौन कौन से हमें इसके मतलब स्विच लगाए जाएंगे, कितने एम्पेयर के होने चाहिए, तो वो हम आपको लोगों को बता देते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है 8-6 का, तो इसके अंदर तो पंखा चलेगा, एक सॉकेट लगाया जाएगा, एक रेगुलेटर लगेगा, लाइटें जलेंगी, ट्यूबलाइट जलेंगी, बाहर की अंदर की ये सब लाइटें जलेंगी। इसके अंदर तो 6 एम्पेयर का स्विच और सॉकेट इसके अंदर लगाए जाएंगे। यहाँ पे पावर की चीजें चलाई जा सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई मोटर चला ली जाए यहाँ पे, या कोई इन्वर्टर लगा दिया जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे पावर का स्विच सॉकेट होना चाहिए। और इस जगह पे क्योंकि ये देखिए एक नजदीक नजदीक यहाँ पे भी एक बॉक्स लगा है, यहाँ भी एक बॉक्स लगा है, तो हो सकता है कि कोई कंप्यूटर वगैरह इनको चलाना हो, तो इसमें कई सारे स्विच और सॉकेट लगेंगे। इसमें कंप्यूटर का लोड कोई ज्यादा नहीं होता है, बाकी फिर भी आप चाहते हैं कि कस्टमर का जल्दी से खराब ना हो, तो यहाँ पे 16 एम्पेयर का आप लगा लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए हमेशा के लिए। ठीक है, और निजी ने के नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर कौन सा, तो यहाँ पे मोटर लगाया जाएगा। ये देखिए मोटर का कनेक्शन वगैरह यहाँ पे किया हुआ, पाइपिंग हो रखी है, तो मोटर का कनेक्शन किया जाएगा, इसलिए वहां पे पावर के स्विच और सॉकेट लगाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे ये बाथरूम है, बाथरूम के पास में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड के अंदर भी आपको पावर के स्विच और सॉकेट लगाए जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मतलब हैवी चीज को चलाने का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पाइप आई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइट है ये जलेगी, और ऊपर में जो कैंसिल लाइट है ये जलेगी, मतलब एक दो लाइटें यहाँ से जलेंगी। तो यहाँ पे 6 एम्पेयर के स्विच सॉकेट, और अगर कोई पंखा वगैरह ऊपर लगा हुआ है, फैन बॉक्स लगा, तो उसका भी रेगुलेटर आप 6 एम्पेयर का लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अंदर आ जाइए, अंदर में भी अगर स्विच सॉकेट का आपको चुनाव करना है, तो यहाँ पे आप 16 एम्पेयर के लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कूलर वगैरह लगेंगे तो हैवी लोड के होते हैं, इसलिए इसके अंदर 16 एम्पेयर का लगाना जरूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, तो ये भी ऊपर में है, तो यहाँ पे आप 6 एम्पेयर का लगाएंगे, क्योंकि पंखे वगैरह लाइटों का यहाँ पे स्विच सॉकेट आएंगे, तो यहाँ इस जगह पे 6 एम्पेयर के हमें स्विच लगाने पड़ेंगे। और उस वॉल पेपर के पीछे में जो बोर्ड लगा हुआ है, जो बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर हमें 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लगाने हैं, क्योंकि वहां पे भी कंप्यूटर हो सकता है भाई अपना रख लें, ये इनको भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो खराब ना हो जल्दी से, इसलिए वहां पे 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट हम लगा सकते हैं। तो कैसे कैसे नोट किए जाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो जो बाहर वाला बेल स्विच का हमने नोट कर लिया है, तो आप एक काम करो इस वाले का नोट करो। इसके अंदर आपको दो बोर्ड है ना हमारे इस साइज के, तो दो रेगुलेटर लिख लो। ठीक है, दो रेगुलेटर लिख लो फैन के, और आप लिख लो सॉकेट कितने 6 एम्पेयर के चाहिए होंगे। एक सॉकेट इसके अंदर लगेगा और 4 सॉकेट उसके अंदर लगेंगे 6 एम्पेयर के, और उस वाले बोर्ड के अंदर भी 4 सॉकेट लगेंगे, और इसमें तो 16 एम्पेयर के लगेगा। ठीक है,
ठीक है, तो वहां पे आपका चार पांच छ छ और यहाँ पे सात, सात स्विच, सात सॉकेट तो आपको 6 एम्पेयर के लिख लेना है, सात सॉकेट 6 एम्पेयर के, ठीक है। और ये पावर का रहेगा तो दो 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 चार, ठीक है, वहाँ पे जो बोर्ड लगेगा उसके अंदर है, चार हो जाएंगे 16 एम्पेयर के, चार चार और दो छ, छ और एक सात, सात सात और एक आठ, आठ सॉकेट 16 एम्पेयर के और आठ स्विच 16 एम्पेयर के, ठीक है, आठ स्विच 16 एम्पेयर के हो गए। अब हमारे स्विच और सॉकेट हो गए सारे, है ना। और अब इसके अंदर क्या बाकी रह जाता है, जितने भी होल्डर लगेंगे, ट्यूबलाइट लगेंगे, इसके अंदर आपको जो ऊपर में वो जो कवर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टी कवर आता है, इसमें लिख लो आप एक दर्जन टी कवर, कम ज़्यादा होगा बाद में देख लेंगे, 12 टी कवर। और फैन कवर लिख लो, फैन बॉक्स कितने लगे हैं, एक तो यहाँ लगा है और एक कमरे के अंदर होगा, जितने हैं उतने फैन कवर लिख लो, तो यहाँ पे एक फैन लग जाएगा, बाकी साइडों में कंसील लाइटें लगेंगी, तो दो फैन कवर लिख लो इसमें, दो फैन कवर हो गया। कंसील लाइट रहती है, तार रहता है, ठीक है। तो वायर कौन कौन सा लगेगा तो मैं आपको बता दें, 50 गज का प्लॉट है तो इसके अंदर वायर आप लिख लो, पहले लिखो आप 2.5 mm की वायर, दो बंडल 2.5 mm लिख दो, दो कलर का लिख दो, टू कलर, 4 mm का एक बंडल लिख लो सिंगल कलर में, और 1.5 mm का एक बंडल लिख लो, और 1 mm का लिख लो आप दो बंडल सिंगल कलर में, और 1.5 mm का लिख लो ग्रीन वायर, और 6 mm लिख लो, क्योंकि हमारी एक जो यहाँ से लेकर के जो मीटर है, मीटर तक हमारा एक मेन वायर जाएगा ना, तो उसके अंदर 6 mm का 20 मीटर वायर लिख लो, तो इसमें स्विच नहीं लिखा है ना, तो स्विच अभी बाकी है, तो आ जाओ स्विच देखते हैं। तो स्विच कितने लग जाएंगे, जैसे कि ये बोर्ड है हमारा 6 एम्पेयर का, तो इसमें दो दो चार पाँच, पाँच और छ, छ पाँच 11 11, और इसके अंदर आपके लग जाएंगे चार, 11 4 15, हाँ 11 4 15 हो गया, और अंदर में आ जाओ, इधर कहीं 6 एम्पेयर लगेगा नहीं, और इसके अंदर भी लग जाएगा आपका 6 5 11, हाँ 15 11 26 हो जाएंगे, 26 हो जाए स्विच 6 एम्पेयर के इधर, और इसमें भी आपका लगेगा कम से कम दो दो चार, चार स्विच लगेंगे इसके अंदर भी, 26 4 30, 30 स्विच लिख लीजिए इसमें, कितने एम्पेयर, 6 एम्पेयर, तो इस प्रकार से हमारा सामान लिखा जाता है। और इन सब की फिटिंग करने के लिए हमें लेना होगा एक स्टील वायर, स्टील वायर यहाँ पे नोट कर लेंगे हम, स्टील वायर, ठीक है, एक पीस। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि जैसे कि हमने इसमें वायर लिखवाया, वायर के बारे में हमने आपको नहीं बताया, बाकी सब कुछ हमने जानकारी दे दी है। तो वायर हम जो हमने लिखा है इसके अंदर 2.5 mm, 4 mm, 1.5 mm, 1 mm और आपका ये 0.75 mm, तो इसको आखिर हमने क्यों लिखवाया, किस हिसाब से लिखवाया, तो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे जितने भी ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये लगा है वो हॉल के अंदर, वो लंबा सा 8-6 का बोर्ड लगा है, और अंदर कमरे के अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है, तो उन बोर्डों के अंदर जो मेन जाएगा वो 2.5 mm वायर से जाएगा, ठीक है। 4 mm का जो वायर है दोस्तों, हमने जो एक बंडल लिखा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये दो जगह पे जाएगा, एक हॉल के अंदर जाएगा यानी सेंटर में, जहां पे इनको एसी का इस्तेमाल करना होगा उस जगह पे, एक हॉल के अंदर आएगा, और एक वायर मेन एमसीबी से ही हो करके आपके जो कमरा है उसके अंदर, जहां पर एसी का पॉइंट है इन्होंने सोच रखा होगा कस्टमर ने, वहां पर हमें इसको देना पड़ेगा। 4 mm की वायर हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है उसी वायर का आप इस्तेमाल
पावर के बोर्डों के अंदर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और दोस्तों 1.5 mm का जो वायर है, 1.5 mm की वायर से हम जितने भी पॉइंट हमारे यहाँ सप्लाई देंगे, हम चाहे ट्यूबलाइट की हो, चाहे पंखे की हो, चाहे हमारे मतलब किसी भी मतलब लाइट का, फैंसी लाइट का हो, तो 1.5 mm की जो वायर होगी उससे हम उस सब जगह पे कॉमन कनेक्शन करेंगे, यानी कि न्यूट्रल की वायरिंग हमारी उससे होगी, सभी पॉइंटों पर उससे कनेक्शन किया जाएगा, लूप किया जाएगा, ठीक है। और 1 mm की जो वायर है, 1 mm की वायर हमारी सभी पॉइंटों पे सप्लाई दी जाएगी, यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे ट्यूबलाइट का जो स्विच के साथ में कनेक्शन किया जाता है वो सारा का सारा हम 1 mm की वायर से करेंगे उसको। और 0.75 की जो वायर है दोस्तों ग्रीन वाली, इस वायर को दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं अर्थिंग के रूप में, यानी कि जितने भी सॉकेट लगाए जाएंगे या जितने भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट होंगे सबका अर्थिंग का जो कनेक्शन होगा आपके मेन मीटर तक आएगा, चाहे कस्टमर के घर पे अर्थिंग हो रखी हो चाहे अर्थिंग ना हो रखी हो, अर्थिंग की वायरिंग करनी होती है और करना भी चाहिए हर बिजली वाले को, ठीक है। और दोस्तों इसमें 6 mm की वायर जो हमने लिखा है, ये 6 mm की वायर उस लिए लगाई जा रही है क्योंकि हमारे जो मेन MCB है और हमारा जो मीटर है वो थोड़ी लंबी दूरी पे है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा 2.5 mm का वायर नहीं, 4 mm का वायर नहीं, वहां पे 6 mm का वायर लगाना चाहिए क्योंकि 10 मीटर की दूरी है वहां से वहां तक, तो 20 मीटर तार हमने लिखा है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे किसके अंदर हमने इन्वर्टर का वायर हमने नहीं लिखा है, तो अब इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए आपको 1.5 mm की वायर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1.5 mm की वायर हम और नोट कर लेंगे इस जगह पे कि हम 1.5 mm वायर, यानी कि इसको हम ले लेंगे ब्लू कलर में या व्हाइट कलर में या येलो में, किसी में भी ले लेंगे। इस तरह से जब आपकी पर्ची बन जाती है, इसके बावजूद अगर कुछ रह जाता है तो आप दुकानदार जो जहां जाते हैं सामान लेने के लिए, वो दुकानदार भी आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं जो एक्स्ट्रा सामान लगना होता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आपको और बारीकी से अगर समझना है कि इसमें क्या क्या सामान लगता है, तो हम जल्दी ही आपके लिए एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल के साथ में एक एक प्रोडक्ट, यानी कि बिजली फिटिंग के अंदर कौन कौन से सामान लगाए जाते हैं, सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको जो लेना हो वो आप वहां से चुन सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे हम बिजली के बोर्ड लेने के लिए जब जाते हैं, स्विच लेने जाते हैं, तो वहां पर उसके अंदर जो पेज मिलते हैं वो पेज हमें कुछ अलग टाइप के लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पेज निकलते हैं वो हम बोर्डों के अंदर नहीं लगा पाते, वो फ्री हो जाते हैं, फिसल जाते हैं वो। और इसी तरह से जो हमारे टी कवर और होल्डर होते हैं, इनको भी लगाने के लिए, यानी कि बॉक्स जो डब्बी होती है हमारी उनके अंदर फिट करने के लिए, उसके लिए हमें ब्रास पेंच लेने पड़ते हैं। तो ये ब्लैक वाला पेंच जो बोर्डों के अंदर लगाया जाता है और एक ब्रास पेंच जो पीतल का होता है उसको लेना पड़ता है एक्स्ट्रा हमें। और भी कई सामान अगर कोई छूट जाता है तो आप बाद में भी उसको मंगा सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई सामान खरीदें तो आसपास की शॉप से, क्योंकि दोस्तों जो भी लिस्ट बनाई जाती है इस प्रकार से वो केवल एक अंदाजा होता है और अंदाजा कभी ज्यादा भी हो जाता है और कभी थोड़ा सा कम भी रह जाता है, इसलिए कम ज्यादा हो जाए तो इसका मेंटेन बाद में कर लिया जाता है, बाकी मोटा मोटा सामान इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमें आपको ये बताना था कि वायरिंग करने से पहले हमें सामान की लिस्ट किस प्रकार से बनानी चाहिए, तो देख लीजिए हमने ये सामान आपकी लिस्ट आपको बना करके दिखाया। इसी तरह से आप भी अपने अगर अंडरग्राउंड की फिटिंग कर रहे हैं तो वहां पे वायरिंग की जो लिस्ट है सामानों की वो आप बना सकते हैं। बाकी सामान लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खरीदना चाहिए, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।